Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2005 की जर्मन फिल्म द व्हाइट मासाई के बारे में। ये फिल्म कोरीन हॉफमैन की नॉवल पर आधारित है जिसने उस नॉवल में अपनी कहानी लिखी है। ये फिल्म भी उसी कहानी पर बनाई गई है पर कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। कैरोला नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड स्टेफन के साथ स्विट्जरलैंड में रहती है। उन दोनों को साथ रहकर 2 साल हो चुके थे और एक दिन स्टेफन ने कहा कि वो कैरोला के साथ मुंबासा जाना चाहता है। कैरोला सोचती थी कि उन दोनों का रिश्ता मजबूत है इसलिए कभी कुछ बदलने नहीं वाला, पर केनिया का वो ट्रिप उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कई दिनों तक केनिया में घूमने के बाद आखिरी दिन उन्हें एक मासाई योद्धा दिखाई दिया जिससे कैरोला अपनी नजरें नहीं हटा पाई। केनिया के कई हिस्से सुरक्षित नहीं थे पर कैरोला को फिर भी वहाँ शांति महसूस हो रही थी। वो दोनों एक आदमी पर भरोसा कर उसके साथ गए पर फिर उन्हें पता चला कि वो एक चोर है जो अपने साथियों को बुलाने गया था। वो दोनों उन लोगों से बचकर भागे और तब उस मासाई योद्धा से टकराए जिसने उन्हें बचाया और फेरी की ओर ले गया। उस योद्धा का शुक्रिया अदा कर वो अपनी बस की ओर दौड़े पर उनके पहुंचने से पहले ही बस वहां से चली गई और वो अपने होटल नहीं जा पाए। तब वो मासाई योद्धा लिमालियन कहने लगा कि वो उन्हें होटल तक छोड़ देगा। स्टेफन उनके साथ नहीं जाना चाहता था पर कैरोला उनके पास चली गई क्योंकि वो लिमालियन को पसंद करने लगी थी। होटल पहुंचने पर लिमालियन अपने साथी के साथ एक डिस्को में जाने लगा और स्टेफन के रोकने के बावजूद कैरोला उनके साथ जाने की जिद करती रही और स्टेफन को छोड़कर वो उन दोनों के साथ डिस्को चली गई। वो लिमालियन के साथ वक्त बिताने लगी और तब वहाँ स्टेफन आ गया जो समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। गुस्से में वो कैरोला को अपने साथ ले गया और अगली सुबह वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड जाने लगे। कैरोला लिमालियन के बारे में ही सोचने लगी थी और उसने स्टेफन से कह दिया कि वो उसके साथ घर वापस नहीं जाएगी। उसने कहा कि वो लिमालियन से प्यार करने लगी है और तब उसने स्टेफन से अपना रिश्ता तोड़ दिया। वो लिमालियन को ढूंढते हुए उस डिस्को तक पहुंची जहां उसे पता चला कि लिमालियन अपने घर वापस लौट गया है। उसका पता पूछकर वो शहर से दूर लिमालियन के गांव के सफर पर निकली और 13 घंटों के सफर में बस में मौजूद हर किसी को ये पता चल गया कि कैरोला उस गांव में प्यार को ढूंढने जा रही है। उस गांव के पास एलिजाबेथ नाम की एक यूरोपियन औरत रहती है और उसके बारे में पूछते हुए वो उस औरत के घर पहुंची। एलिजाबेथ ने कहा कि उसने भी एक केनियन आदमी से शादी की है पर वो दोनों एक शहर में रहते हैं, पर लिमालियन एक आदिवासी है और उसके साथ रहने में कैरोला को हद से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अपने पति मोजेस से मिलवाने के बाद एलिजाबेथ ने उसे बताया कि यहाँ औरतों को अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ के लोगों के कल्चर में मर्द को उसकी मर्जी मुताबिक चीजें करने दिया जाता है पर औरतों को नहीं। इन बातों ने उसे गहरी सोच में तो डुबा दिया पर कैरोला फिर भी लिमालियन का इंतजार करती रही और कुछ दिनों बाद एक रात उसे लेने लिमालियन वहाँ आ गया। वो उसे अपने साथ ले गया और वो दोनों एक होटल में गए जहाँ लिमालियन के साथी मौजूद थे और उन दोनों साथियों को वहाँ से भेजने के बाद उन दोनों ने एक साथ उसी जगह रात गुजारी। कैरोला को अगली सुबह अचानक अजीब महसूस हुआ पर जब लिमालियन ने उसके पास आकर उससे कहा कि वो चाहता है कैरोला उसके साथ ही रहे तो कैरोला को बेहतर महसूस होने लगा और वो लिमालियन के साथ उसके गाँव जाने के लिए तैयार हो गयी। उस शहर से काफी दूर पहाड़ों पर लिमालियन का गांव था जहां आदिवासियों ने अपनी दुनिया बसा रखी थी और अब कैरोला उस दुनिया का हिस्सा बनने जा रही थी। लिमालियन ने उसे अपनी माँ से मिलवाया और उसे उन औरतों के बीच छोड़कर बाहर चला गया, पर कैरोला को उन औरतों की भाषा समझ ही नहीं आई। उसे उन गाँव वालों के रिवाज और वो झोपड़े जहाँ वो रहते हैं अजीब से लग रहे थे, पर वो लिमालियन के लिए वहाँ रहने को भी तैयार हो गई। मगर कुछ दिनों बाद उन रिवाजों की तरह लिमालियन भी उसे धीरे धीरे अजीब लगने लगा। वो उस गांव के रिवाज और उनके खाने पीने की चीजें समझने की कोशिश करने लगी पर उसके लिए ये करना आसान नहीं था। उस गांव के पास एक इटालियन पादरी फादर बर्नार्डो रहता है जिससे कैरोला ने बात करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि बर्नार्डो शहर के बाजार तक जाने में उसकी मदद करे क्योंकि वो आदिवासियों का खाना नहीं खा सकती, पर बर्नार्डो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ बीमार लोगों की मदद करता है। कुछ वक्त बाद वहाँ एक आदमी आया जिसने कहा कि एक विदेशी को वहाँ रहने की इजाजत नहीं और अगर उसे वहाँ रहना है तो लिमालियन से शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट लाना होगा या फिर उसे अपना वीजा एक्सटेंड करवाना होगा। उस गांव से दूर नैरोबी में कैरोला को एक होटल में रहना पड़ा और अगले दिन वो लिमालियन के साथ
वीजा ऑफिस गई, पर उस ऑफिस में लिमालियन को उसके कपड़ों की वजह से आने नहीं दिया गया और इसलिए वो दोनों लिमालियन के लिए कुछ कपड़े खरीदने गए। वो दोनों उस दिन कुछ और सामान लेने बाजार में घूमते रहे, पर उस रात अचानक करोला बेहोश हो गई। उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी और कई दिनों तक उसे तेज बुखार रहा। लिमालियन ने बताया कि उसे मलेरिया हुआ है और डरने की कोई बात नहीं, और जल्द ही दवाइयों की मदद से करोला ठीक भी हो गई। उन दोनों ने करोला का टूरिस्ट पास बनवाया ताकि वो कुछ और दिन वहाँ ठहर सके, और करोला ने अपनी माँ से कहा कि उसे उसके पैसे भेज दे क्योंकि अब वो उसी गांव में रहने वाली है। उसने अपने लिए एक गाड़ी खरीद ली जिसकी मदद से वो बाजार आ जा सके। धीरे धीरे करोला को एहसास हुआ कि उस गांव के लोग औरतों को ना तो किसी अनजान मर्द से बात करने की इजाज़त देते हैं और ना ही एक गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं। इसलिए वहाँ की औरतें जिद करने लगी कि गाड़ी लिमालियन को दे दी जाए, जबकि उसे गाड़ी चलानी आती भी नहीं, और लिमालियन की जिद की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। करोला फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, पर फिर उसी को लिमालियन से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वो करोला से नाराज हो गया। उस दिन करोला ने कहा कि उसे स्विट्जरलैंड जाकर अपनी दुकान बेचनी होगी और अपने परिवार से एक आखिरी बार अलविदा कहना होगा, जिसके बाद वो वापस आ जाएगी। घर जाकर उसने अपने परिवार को बताया कि वो लिमालियन से शादी करने वाली है, और उसकी इस बात से कोई खुश नहीं था क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो किसी आदिवासी से शादी करे। जब वो अपने भाई के साथ अपनी दुकान पर गई तो उसे स्टेफन दिखाई दिया जो अब किसी और के साथ था, और उसे देखने के बाद बिना किसी पछतावे के वो अपनी जिंदगी लिमालियन के साथ बिताने के लिए तैयार हो गई। वो वापस केनिया लौट गई। और गांव वालों के लिए बहुत सी चीजें ले गई। उस दिन लिमालियन की माँ ने करोला से कहा कि करोला खुद नहीं जानती कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात सुनकर लिमालियन और करोला दोनों ही बहुत खुश हो गए। करोला शादी के लिए तैयार होने लगी, पर बर्नार्डो ने उसे सलाह दी कि वो जो करे सोच समझ कर करे क्योंकि उसका कल्चर और इस गांव का कल्चर बिल्कुल अलग है और उसके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। करोला अपनी खुशी के दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी बात सुने बिना ही वो शादी के लिए तैयार हो गई, और उस रात उनकी शादी उस गांव के रिवाजों के साथ पूरी हुई। अगली सुबह करोला को पता चला कि एक ऐसा रिवाज है जहां नाबालिग लड़कियों की शादी की जाती है, और करोला शादी से पहले के उन रिवाजों को देख नहीं पाई। वो चाहती थी कि लिमालियन और बर्नार्डो उस बच्चे की मदद करे, पर उन दोनों ने ही कह दिया कि रिवाजों को बदला नहीं जा सकता। बर्नार्डो की बातें सुनकर वो उस पर चिल्लाने लगी, पर फिर बर्नार्डो ने कहा कि पिछले 20 सालों से वो यही कोशिश कर रहा है, पर यहाँ कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते। करोला ने फैसला किया कि वो इस जगह एक दुकान शुरू करेगी, पर जब उसने ये बात एलिजाबेथ को बताई तो एलिजाबेथ ने कहा कि लिमालियन उसे ऐसा करने नहीं देगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो कहने लगा कि उन्हें दुकान की कोई जरूरत ही नहीं, पर करोला भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी, और ना ही वो आदिवासियों का खाना खाकर जीने के लिए तैयार थी। उसने अपनी दुकान तो खोल दी, पर उसके लिए चीजें और बिगड़ती जा रही थी। वो एक प्रेग्नेंट औरत की मदद करना चाहती थी, पर उसे ना तो कोई हाथ लगा रहा था और ना ही लिमालियन उसे उसकी मदद करने दे रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन आदिवासियों का कहना था कि उस लड़की पर जादू टोना किया गया है। जब करोला मदद के लिए चिल्लाने लगी तो लिमालियन ने आखिरकार उनकी मदद की, पर उसने सिर्फ उस लड़की को गाड़ी में डालने तक की मदद की, जिसके बाद करोला अकेली उसे ले जाने की कोशिश करती रही। रास्तों की रुकावटों की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई, और उस गाड़ी में ही अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करते हुए उस लड़की और उस बच्चे दोनों की मौत हो गई। उस दिन करोला पूरी तरह टूट गई, और उसे समझ आने लगा कि जितना वक्त वो यहाँ बिता रही है उतना ही उसे लगता है कि वो लिमालियन को जानती ही नहीं। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि वो मोजस के साथ यहाँ से दूर जाने वाली है और एक ऐसे शहर में रहने वाली है जहाँ वो बेहतर जिंदगी जी पाए, और अब करोला अकेलेपन के डर में जीने लगी। करोला ने अपनी दुकान तो खोल दी, पर उसे शुरू करवाने के लिए उसे लाइसेंस चाहिए था, जिसे पाने के लिए उसे जबरदस्ती वहाँ के ऑफिसर के भांजे माइक को नौकरी पर रखना पड़ा, जबकि माइक कोई काम ही नहीं करता। बर्नार्डो ने उस रात करोला से माफी मांगी और कहा कि वो उससे बुरा बर्ताव सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो भी दूसरे विदेशियों की तरह सिर्फ घूमने फिरने आई है और कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाएगी। ये कहने के बाद उसने सलाह दी कि उसे अपने कस्टमर्स से नजरें नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि लिमालियन की सोच भी अपने गांव वालों जैसी पिछड़ी हुई है और वो ये बात सहन नहीं कर पाएगा। उस रात करोला को भी ये बात समझ आ गई जब उसने देखा कि लिमालियन उसके कमाए पैसों को गिनने लगा है। कुछ महीने गुजरे और प्रेग्नेंट होने के बावजूद करोला को कोई आराम नहीं मिला, और वो दुकान चलाने के साथ साथ लिमालियन की सेवा करने में लगी रही। लिमालियन उस पर बेवजह शक करने लगा और कहने लगा कि वो जानता है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो ये तक कहने लगा कि करोला के पेट में पल रहा बच्चा भी किसी और का है,
और इस सब से करोला बुरी तरह परेशान होने लगी। कुछ वक्त बाद उसने करोला से माफी मांगी और उसने उसे माफ भी कर दिया, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी तकलीफें और बढ़ने वाली है। करोला को एक दिन पता चला कि लिमालियन गांव के हर इंसान को बिना पैसे लिए उधार पर सामान बेचता है। जब करोला ने उससे कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो घाटे का सौदा है, तो लिमालियन को बुरा लगने लगा और हर बार की तरह अंत में करोला ने ही उससे माफी मांगी। कुछ दिनों बाद अचानक रात को करोला के पेट में दर्द होने लगा और गांव के लोग उसके डिलीवरी करने की कोशिश करने लगे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। सही वक्त पर बर्नार्डो ने फ्लाइंग डॉक्टर्स को बुलवाया जो उसे प्लेन में हॉस्पिटल ले गए और करोला ने अपनी बेटी को जन्म दिया। लिमालिया ने उस बेटी को सराई नाम दिया। कुछ दिनों बाद जब हॉस्पिटल से करोला वापस आई और अपनी दुकान पर पहुंची तो उसे पता चला कि दुकान का सारा सामान गायब है। इतना ही नहीं, लिमालियन ने फिर से सबको उधार पर सामान दे दिया और अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसा होने पर करोला ने अब सबसे पैसे लेने शुरू किए और माइक को भी नौकरी से निकाल दिया। पर उस रात माइक उनके घर आ पहुंचा और उसने करोला को मारने की कोशिश की। लिमालियन ने उसे बचा तो लिया, पर वो करोला के साथ बुरा बर्ताव करने लगा और कहने लगा कि ये सब उसी की गलती है। अगले दिन सरपंच ने कहा कि करोला को 2 बकरियां ऑफिसर को देनी होंगी क्योंकि उसने उसके भांजे को नौकरी से निकाला है। करोला मान गई, पर तब सरपंच ने ये कहा कि क्योंकि माइक ने उसे मारने की कोशिश की थी तो ऑफिसर को 5 बकरियां उसे देकर भरपाई करनी होगी और करोला की वहाँ जीत हुई। पर जब करोला ने लिमालियन से कहा कि वो बकरियों का ध्यान रखे तो उसने उससे कहा कि वो एक मर्द है और अपनी पत्नी की बकरियों को वो नहीं संभालने वाला। उसने करोला के तोहफों को भी फेंकना शुरू कर दिया और उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगा। चीजें बिगड़ती गई और लिमालियन का शक दिन पे दिन बढ़ता गया और हर आदमी को वो करोला का बॉयफ्रेंड समझने लगा। वो सराय को करोला से अलग करने की कोशिश करने लगा और एक रात उसने हद पार कर दी। उसने करोला से कहा कि वो अपने कस्टमर्स के साथ अफेयर रखती है और उस झगड़े में लिमालियन और करोला ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। लिमालियन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने करोला को मारने की कोशिश की। करोला अब पूरी तरह थक चुकी थी और लिमालियन से डरने लगी थी। बर्नार्डो ने करोला की परेशानियों को देखा और उसकी मदद करने की बात की, पर वो भी जानता था कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। करोला ने एक दिन कहा कि वो 2 हफ्तों के लिए सराय को लेकर स्विट्जरलैंड जा रही है क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी से मिलना चाहती है। वो वहाँ से जाने से पहले लिमालियन को एक ऑफिस ले गई जहाँ लिमालियन से एक पेपर पर साइन करवाया गया। लिमालियन ये नहीं जानता था कि वो डिवोर्स के कागज है क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पर कुछ देर बाद लिमालियन को समझ आ गया कि करोला वापस नहीं आने वाली और वो ये भी समझ गया कि वो कागज डिवोर्स के ही है। करोला डर कर उससे दूर भागने लगी और सोचने लगी कि लिमालियन उसे कभी जाने नहीं देगा, मगर फिर भी उसने कागज पर साइन कर दिया और करोला को एक डर और परेशानियों से भरी जिंदगी से आजाद कर दिया। करोला के लिए लिमालियन को छोड़ना आसान नहीं था, पर वो जानती थी कि वो यहाँ सुरक्षित नहीं और अपनी बेटी को लेकर वो हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड आने में कामयाब हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।